आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सारी चीज़ें पूरी रिसर्च के बाद, एक एक टॉपिक किस किस तरीके से ये करना चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम होता है और किस कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सारी चीज़ों को मैं रिसर्च करके स्लाइड्स के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये क्लास नाइन्थ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। क्लास इलेवेंथ, क्लास सिक्स, सारी चीज़ों का मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसे जान सकें और वो एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल लगे रहें। ऑलराइट, अगर मेरा ये वादा है कि अगर इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, जो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना मेरा वादा है। क्लास नाइन्थ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंट्रल हिंदू स्कूल का 2019 का, बॉयज़ एज वेल एज फॉर गर्ल्स। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, चलते हैं आगे। हाँ जी, तो ये है क्लास नाइन्थ का सिलेबस और अचीव योर टारगेट CHA सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास नाइन्थ फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स, क्रैक विथ ईज। देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है, ये डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा 19th सेंचुरी में स्टेब्लिश की गई थी बनारस में, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ के एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि स्कूलिंग उनके दिमाग में कि छोटे बच्चों की स्कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा अहम रखता है मानव जीवन के विकास में, और यही सोच के डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। एंड देयर आफ्टर फिर बाद में महामना मदन मोहन मालवीय के मन में विचार आया, फिर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और इनका अभी संचालन जो है, अभी कम्प्लीटली साइट जो है इनका BHU का एक ही है, नमल www.bhu.ac.in से संचालित होता है इनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी, और फिर एग्जामिनेशन कंडक्शन भी सब कुछ ऐसा ही होता है। एंड देयर आफ्टर दिस इज़ द थिंग, अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, ये सेंट्रल स्कूल है हिंदुस्तान का। नाउ वी कम ऑन द एज क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आते हैं कि आपकी जो एज होनी चाहिए क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ एज वेल एज फॉर गर्ल्स, ये 13 से 15 ईयर्स होनी चाहिए आपको एज ऑन 30th of September 2019, मतलब कि 30 सितंबर को आपकी उम्र 13 साल से कम नहीं और 15 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए 90 होंगी और बॉयज़ के लिए 240 सीटें होंगी। 2018 से इनका इनटेक बढ़ा दिया गया है थोड़ा, लड़के लड़कियों दोनों के लिए ही, ताकि मैक्सिमम लोगों को पढ़ने का मौका मिल सके इस तरह के इंस्टीट्यूशन में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित होती हैं, और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में बहुत कम है जहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी फैसिलिटी, और फिर ऊपर से बहुत ही अच्छी पढ़ाई, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। नाउ सिलेबस एंड एग्ज़ाम आइडिया, जस्ट टू इट। ऑल राइट, कट ऑफ की बात कर देता हूँ। पिछले साल का कट ऑफ जो था, ये बॉयज़ के लिए 74 था और लड़कियों के लिए 69 थी। ऑल राइट, और मैं बात कह दूँ तो आपको आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना होना चाहिए, तो देखिए 100 में जो है आपका क्वेश्चन का, 100 में से 80 का टारगेट लेके चलिएगा। 80 का अगर टारगेट लेके चलेंगे आप, कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आपको अटेम्प्ट तो सबने सारे के सारे करने हैं, लेकिन 80-100% आपको सही करके आना है, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें, सही है। चलिए अब टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं। टोटल क्वेश्चंस आर 100। एग्जाम पैटर्न कंटेंट्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टोटल क्वेश्चन 100 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 100 के 100 अटेम्प्ट करें 100%, ठीक है। इसके बाद मैथ्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे एंड सोशल साइंसेस के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह ये मिलकर बनाते हैं 100 क्वेश्चंस इन टोटल, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 100% आपको अटेम्प्ट करना है 100 के 100। चलिए सबसे पहले पोर्शन पे हम चलते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी का जो ग्रामर, बेसिकली ग्रामर पोर्शन से ही पूछा जाता है, लेकिन आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ग्रामर से टच में रहिए, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। इसमें जो टॉपिक्स हैं
जो कंप्लीट रिसर्च के बाद हमने पिछले 10 साल के पेपर के ऊपर रिसर्च किया और इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन एरियाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए वैसे तो जनरल हिंदी आपकी नॉर्मल अच्छी होगी ही, लेकिन उसके अलावा आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा पॉन्डर करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा तैयारी में मन लगाना है, वो है वाक्य और इसके भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये हो गया, शब्द, शब्द के भेद, ऑलराइट, शब्द और शब्द के भेद। जैसे शब्द के कई प्रकार के, शब्द कई प्रकार के होते हैं ना, दृष्टि, दृष्टि बनावट या रचना की दृष्टि से इस तरीके से, तो रूढ़, यौगिक, अवरूढ़ और सब कुछ करना है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यावाची शब्द, विलोम शब्द, इन सब सारी चीज़ों का मैं शब्द के अंतर्गत मैं बता दे रहा हूँ कि शब्द के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें आएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सब सभी चीज़ों को रट डालना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऑन टिप्स होने चाहिए आपके जुबां पे। देन मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ, जो फेमस मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उनका मतलब आपको जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो सेंटेंस में पूछ लिए जाएंगे कि इसमें से ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑलराइट, अकेला चना भाड़ में नहीं फोड़ सकता, ये इस तरह के लोकोक्ति है, आपको पता ही होगा, ठीक है, थोथा चना बाजे घना, इस तरह का, 9-2-11 होना, ऑलराइट, ऊँट के मुँह में जीरा, इस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको रूबरू रहना होगा, और बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन आपको फिर भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके वो कीजिएगा, ऑलराइट, और मैं भी वीडियो के माध्यम से आप सभी की सहायता करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। नाउ अलंकार, देखिए अलंकार क्लास 8 तक के सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड के, मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है तो मुझे पता है कि अलंकार नहीं है, लेकिन चूंकि ये कॉम्पिटिशन है इसलिए इसमें अलंकार से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो अलंकार थोड़ा सा जान लीजिएगा आप, ऑलराइट, अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इनफैक्ट समझ में आ जाएगा, और अगर बोलेंगे आप तो मैं भी इसके ऊपर लेक्चर दे दूंगा, अलंकार के ऊपर बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। नाउ कवि और कविता, जो फेमस कविताएं हैं, फेमस कविताएं हैं और फेमस कवि है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, ऑलराइट, इसके बाद हमारे जयशंकर प्रसाद हो गए, और थोड़े से लेखक वगैरह भी, कहानीकार जैसे प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा जान लिया, ऑलराइट, महादेव वर्मा के बारे में जान लिया, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी और ये सब पूछ लिए जाते हैं, इनफैक्ट और पूछे गए हैं, ऑलराइट, कवि और कविता, जैसे पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा वॉज रिटन बाई माखनलाल चतुर्वेदी, आपको पता होना चाहिए। नाउ उपसर्ग और प्रत्यय, ये तो इससे तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानकार होंगे। नाउ वर्णों का उच्चारण स्थान, इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ट का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ कवर्ग का उच्चारण कहाँ से है, ठीक है ना, तो ये सब सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। नाउ संधि विच्छेद एंड संग्रह, संधि विच्छेद के बारे में जानना होगा, संधि के भेद भी जानने होंगे आपको, ये कौन सी संधि है, उसका विच्छेद कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका सूर्योदय का कौन सा, इनमें से कौन सा सही है संधि विच्छेद, ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट हिंदी पोर्शन, जो कि मोस्टली ग्रामर को कंटेन करता है, और इन सब के ऊपर जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं सबके ऊपर आपको कवर करना जरूरी है। नाउ अब मैं आता हूँ इंग्लिश ग्रामर पे, इंग्लिश में बेसिकली सब ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ग्रामर को अपना जितना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लिटरेचर को भी पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना चाहिए, इनफैक्ट आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी, ग्रामर जितना अच्छा होगा, इंग्लिश आपकी उतनी ही अच्छी होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सिर्फ मैं CHS एग्ज़ाम के लिए नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो किसी नौकरी का होता है, किसी भी स्कूल का होता है, किसी भी कॉलेज का होता है, या जिस तरह का भी एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा हमेशा और हमेशा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें आर्टिकल an और the, इसके बाद प्रीपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, आर्टिकल से भी फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे आपको, तो प्रीपोजिशन के कुछ उदाहरण हैं, एट, ऑन, ओवर, अबाउट, इट, एटसेट्रा। नाउ सेंटेंसेस एंड इट टाइप्स, ऑलराइट, सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, तो सेंटेंस आपको जानने होंगे और उसके टाइप्स थोड़ा सा ये सब चीज़ें जाननी होंगी। नाउ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और उसके भेद, मतलब ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि राम इज़ प्लेइंग विच टेंस इट रिप्रेजेंट्स, ऑलराइट, तो ये पता है आपको कि राम इज़ प्लेइंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ऑलराइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता है कि 8 पार्ट स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एटसेट्रा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको अच्छे से रूबरू रहना होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से पढ़ के उनके एग्जांपल के साथ बिल्कुल आपको अच्छे तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा, ऑलराइट, क्या वर्ब है, कौन सा इन शब्दों में से कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इन सब चीज़ों की जानकारी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस,
idioms एंड phrases आते हैं वहाँ पे, जैसे हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, उसी तरह idioms एंड phrases इंग्लिश में होते हैं, जैसे snake in the grass. Snake in the grass, grass का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है इसका hidden enemy. All right? तो this is all. A bolt from the blue. Bolt from the blue का मतलब क्या होता है? What to say? अचानक सी calamity जब आ जाती है, that is called bolt from the blue. All right? Now, spellings correction. स्पेलिंग करेक्शन, तो आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो स्पेलिंग आपको देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए. उसी तरह में से कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स होते हैं, उनका पूछ लिया जाता है इस एग्जामिनेशन में. इसके बाद फिगर और स्पीच पे चलते हैं. तो सिमली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक से दो बस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए. ऑल राइट, कि ही वॉज लाइक अ टाइगर, ये हो गया सिमली, किसी से कंपेयर करना. And he was tiger in the battlefield. तो ये हो गया metaphor. Personification है ये किसी चीज़ को जब मानव की तरह रख के, मतलब personification मतलब मानवीकरण अलंकार जिसको हिंदी में कहते हैं. All right, तो मानव की तरह से compare करके उसको रखा जाता है तो वो बन जाता है personification. तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. Synonyms and antonyms and voice, passive and active voice, ये जानना होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि important है काफ़ी ज़्यादा. Now general knowledge and social sciences, इस पर आते हैं. तो हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा. देखिए, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो एक पतली सी बुक आती है आपको अरिहंत पब्लिकेशन की या किसी भी पब्लिकेशन की आती है 20-25 रुपए की, जो जनरल नॉलेज की बुक मार्केट में नहीं आती हो, ऑल राइट, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से तो आपका ये सारा का सारा कवर हो जाएगा. इनफैक्ट, लेकिन मैंने फिर भी आपको आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है. तो हिस्ट्री में आपको एंशेंट, मॉडर्न एंड मेडिवल, आपको जैसे बाबर कब आया था, मुगल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, तो इस तरीके से इंडियन पहले सिविलाइजेशन कहाँ था, मेसोपोटामिया कहाँ है, किसका पुराना नाम है, तो इराक का नाम था. ऑल राइट, तो मॉडर्न में अब 1857, 1920, महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और बहुत ही कॉमन से होंगे, लेकिन इसके लिए फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा. तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि जनरल नॉलेज की पतली सी बुक होती है, बिल्कुल मुश्किल से मेरे ख्याल से उसमें 100 पेज भी नहीं होते. ऑल राइट, उसको आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, इस सारा का सारा कवर हो जाएगा. फर्स्ट इन इंडिया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ऑल राइट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आप एच ए कान्या कौन थे, हीरा लाल कान्या, सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे. नाउ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, UNO, आशियान, सार्क, G20, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन UNO से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि पूछ लिया गया था कि UNO की स्थापना कब हुई थी, UNO डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी. ज्योग्राफी, बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड. इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ऑल राइट, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, तो इन सब इंपॉर्टेंट डेट्स को जानना होगा. 30 जनवरी को महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें जाननी होंगी. नेशंस, कैपिटल एंड करेंसी एंड स्पोर्ट्स, देन सोलर सिस्टम. देखिए, सोलर सिस्टम के ऊपर हमने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जीके एंड करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा सोलर सिस्टम का. तो सोलर सिस्टम को बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है, अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो हर चीज़, हर क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हैं, मतलब राइट फ्रॉम क्लास 9 से लेके आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल का है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा भारतीय संविधान और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बॉडी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी काम करती है, ये सब सारी चीज़ों को हल्के हल्के में जानना होगा. ग्राम पंचायत कौन होता है, मुखिया कौन होता है, इस तरह की चीज़ें. नाउ सिटीज़ इन इंडिया, इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कि वाराणसी हो गई, दिल्ली हो गई, आगरा हो गई, किस बैंक से बसे हैं, ऑल राइट, उनका हिस्ट्री से क्या थोड़ा बहुत ताल्लुकात है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाननी होंगी, बहुत डीप में नहीं, तो इसलिए वो बुक बेस्ट है जो मैंने अरिहंत या किसी भी पब्लिकेशन की होती है, बट मार्केट में ऐसे मिल जाती है किसी दुकान पे 20-25 रुपए की आती है बस. नाउ स्लोगन्स बाय लीडर्स, स्लोगन्स मतलब तुम करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था. नाउ करंट अफेयर्स, थोड़ा सा जानना होगा कि वर्तमान समय में क्या क्या चल रहा है. फैक्ट्स अबाउट CHS एंड वाराणसी, CHS, BHU और वाराणसी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं. ये बनारस किस नदी के किनारे बसा है, ऑल राइट, बनारस इंडिया का सबसे पुराना शहर है, ये आपको जानना चाहिए. CHS की स्थापना किसने की थी, BHU की स्थापना किसने की थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक दो पूछ लिए जाते हैं. नाउ मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैथमेटिक्स में आपको मैं कहूँगा कि आप 20 के 20 ये चैलेंज स्वीकार कीजिए कि हमने 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं,
बिल्कुल सही करके आना है, क्योंकि ये जो करेंगे आप, आपने जो कर दिया वो सही हो गया और 100% इसमें मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं सबसे ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं हो सकती अगर आपने अच्छे से सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया। इसमें सबसे पहला है फ्रैक्शन, भिन्न, इसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ऑल राइट, देन स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट, देन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उस तरह का लग रहा है आपको समथिंग इज लुकिंग लाइक उल्टा वी, क्योंकि वो इस कोड में नहीं लिखा जा सकता है यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में। नाउ प्रॉब्लम्स ऑन एज, ऑल राइट, कि 5 साल पहले राम की उम्र 20 साल थी और 10 साल बाद उसकी मम्मी की उम्र उसकी उससे उसकी उम्र से 4 गुना ज़्यादा हो गई, तो उसकी मदर की एज प्रेजेंट आयु क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑल राइट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टर्न एंड वर्क एंड टाइम एंड मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। नाउ प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 8 तक, लेकिन प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा जान लीजिएगा कि अब फ्रॉम अ पैक का पार्ट आपको पता होना चाहिए कि एक सिक्के को उछालते हैं हेड और टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो हेड आएगा, तो 1/2 होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इनफैक्ट सी प्रोबेबिलिटी होती है कि माई चॉइस अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, जो आप चाहते हैं अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने चांसेस हैं उसके आने के। जैसे हेड और टेल दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं इसके, और मान लीजिए मैं हेड चाहता हूँ तो हेड तो एक ही है उसके अंतर्गत, तो 1/2 हो जाएगा, इस तरीके का है। तो उस तरह से थोड़ा सा ताश के पत्ते और यही क्वाइन वाला आएगा, लेकिन आसान सा आएगा बहुत। नाउ एलजेब्रा, एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ क्यूब एंड क्यूबाइड्स, नेक्स्ट है सर्कल, सिलेंडर्स एंड कोन्स, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। पता नहीं मुझे कि हाँ 8वीं के सिलेबस में है ये, यस आई रिमेंबर 8वीं के सिलेबस में है, और आपको अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करना होगा। नाउ स्टीम एंड बोट, स्ट्रीम एंड बोट, ठीक है, नाव धारा वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है बहुत, क्योंकि बस ये इसका उल्टा होता है, स्पीड एंड टाइम जो होता है, मतलब सड़क और बोट के केस में, सड़क और पानी के केस में क्या होता है कि दोनों का फॉर्मूला बस उल्टा हो जाता है, सब कुछ चीज़ें सेम होती हैं। नाउ जनरल साइंस 20 questions, जनरल साइंस के 20 questions होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप क्या कीजिएगा कि क्लास 8th, 6th, 7th और 8th, ये तीनों की NCERT बुक अगर मिल जाए, और इवन किसी स्टेट बोर्ड में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टेट बोर्ड की भी बुक अगर मिल जाए, तो उन सभी को दो दो बार कम से कम रीडिंग लगा डालिएगा, पूरा नोट्स बना डालिएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 6th, 7th, 8th तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा आप। रेस्ट वो जनरल नॉलेज वाली बुक है, उसके अंतर्गत साइंस भी होता है, तो साइंस वो भी कवर कर देगा, लेकिन मैं जो सजेशन दे रहा हूँ आपको ये ज़रूरी है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, साइंस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, ऑल राइट, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नाउ विटामिंस एंड मिनरल्स, जैसे ABCD, ऑल राइट, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, या ये इसका सोर्स कौन सा है विटामिन ए का, जितने भी पानी वाले फल होते हैं या पानी वाले सब्जियां होती है, सब कुछ विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लास 7th, 6th और क्लास 8th की बुक में तीनों में मिल जाएंगे आपको, ये पढ़ने की ज़रूरत है आपको। प्लांट एंड एनिमल सेल्स, देखिए सेल्स के ऊपर थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, क्लास 9th की बुक में ये अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ऑलराइट, तो हो सके कोई अच्छा, चलिए मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, और अगर मिल सके तो आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड फंक्शंस एंड देयर आफ्टर साइंटिफिक रीजंस, साइंटिफिक रीजंस जैसे हमारे बैग्स में जो भी हम पिट्ठू टांगते हैं, हमारे बैग्स होते हैं, उनके स्ट्रिप्स चौड़े क्यों होते हैं, तो प्रेशर कम करने के लिए होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर कम करने के लिए होता है, ताकि हमारे कंधे में ज़्यादा दर्द ना हो। नाउ लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों टॉपिक, रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन, ऑल राइट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ
इट वॉज ऑल अबाउट ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि डिसलाइक क्यों किया, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग लाभान्वित हो सकें, देख के समझ सकें और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप जिस क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास एट्थ में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास एट्थ पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। बस एक एक घंटा अगर हर दिन आकर आप निकालेंगे इसके लिए, तो आपके अगले 5-6 महीने तक इतना प्रिपरेशन हो जाएगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के काबिल हो जाएंगे। टारगेट फॉर 80+ and then your selection will be sure shot, it's my guarantee. So thank you for watching the video and all the best for your bright future. God bless you all. Thank you very much. Agar koi problem ho to is number pe kabhi bhi call kar sakte hain, 24x7 7376 098 712. I repeat, 7376 098 712. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन संबंधित हम बहुत सारी जानकारियाँ हमेशा लेकर आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।